कैसे हो सभी का 9 जून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है दोस्तों, मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, चलिए छोड़ो, मारवाड़ी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर बंदे हैं वो मारवाड़ी है। तो चलो शुरू करा आपनो टॉपिक चलो 1857 की क्रांति। चलो बे मैं दो टॉपिक के यानी दो पार्ट आपा कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी है। देखो दोस्तों, आज आप बात कर सकें विद्रोह की कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, था नसीराबादी, नेमची, देवली, एरेनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावरो। ठीक है, तो बार मायने विद्रोह कद कद हुए वो आप आज देख सा। देखो लाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले देख लिया, ये वीडियो थाने बाद में समझ में आवे, पहला आवे कोला। ठीक है, देखो एक जो अपनी सैनिक छावनी है वह है नसीराबाद। ठीक है, नसीराबाद में आप पढ़ सा नीमच की, नीमच बाद में एक आवे देवली, देवली और देवली के बाद में चौथी जकी सैनिक छावनी है बढ़िया वाह है एरेनपुरा। किस है? एरेनपुरा। ठीक है, अब दो रहेगी किसी किसी, एक तो रहेगी खेरवाड़ा, हर एक किसी सैनिक छावनी रहेगी, एक रहेगी ब्यावर। ब्यावर बोले तो अजमेर में है ब्यावर। अब देखो दोस्तों, बात यह है कि खेरवाड़ा सैनिक छावनी और ब्यावर सैनिक छावनी 1857 की क्रांति में के कौन लियो भाग, कौन लियो के कौन लियो भाग, कौन लियो क्यों कौन लियो? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरेनपुरा में जगह सैनिक आबे हिंदू आ या फिर मुसलमान आ, लेकिन अट का जगह सैनिक आबे किस जाति का? बे मेव जाति का या फिर मेणा जकी अदर अदर जाति है बा जाति। तो बन भाई थाने ठा है कि गाय व सूर की चर्बी को लेनो देनो कौन हो, बे तो कह मान दो की देनो चाहिए भाई, भोजन होना चाहिए हमारे, तो दो टाइम को जुगाड़ जानो चाहिए बस, और आने की मतलब कौन है बिर बजाऊँ एक है मारे तो कोई नहीं है, मैं तो चर्बी क्या रिवन में तो खा खोलिया। तो इस वास्ता खेरवाड़ा और ब्यावरी जिकी के कौन लियो 1857 की क्रांति में भाग कौन लियो? अब रहेगी कितनी रियासत? ये रहेगी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरेनपुरा। देखो नसीराबाद में विद्रोह कद हुयो आ डेट मिला 28 मई, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह हुआ याद रखा। नीमच में कद हुयो? नीमच में हुयो 3 जून 1857 नीमच में विद्रोह। देवली में कद हुयो? देवली मिला 4-5 जून 1857। अब वो तो डेट सेम रहे जैसे 1857 है। अरे एरेनपुरा में जो विद्रोह हुयो वो हुयो 21 अगस्त ने, के 21 अगस्त 1857 ये विद्रोह की डेट है। नसीराबाद कट है अजमेर में है, नीमच कट है वर्तमान में तो मध्य प्रदेश रमायण है, लेकिन पहला जी की मेवाड़ रियासत माती। देवली कट है टोंक में है, एरेनपुरा कट है जोधपुर में या फिर बोले तो मारवाड़ बोल सकते हैं। ठीक है ना, देखो आगे अब देखेंगे हम नसीराबाद में सैनिक सावनी मतलब जिकी सैनिक सावनी नसीराबाद रमायण बट विद्रोह कद हुयो? नीमच में कद हुयो, देवली में कद हुयो और एरेनपुरा में कद हुयो? सब पहले आप बात कर सा नसीराबाद में विद्रोह किया हुयो के कुछ हुयो वो देखो राम, पहला इंठोसो ढो ध्यान देखो। तो नसीराबाद में विद्रोह हुयो राजस्थान में सब पहला जिकी सैनिक सावनी आई है। देखो मेरी बात सुनो थे ज्या ई प्रकार को आज आपड़ो किया है पतंगाकार मान सका राजस्थान है, है? देखो अठे उत्तर प्रदेश में मेरठ है, मेरठ के मायने 10 मई 1857 में विद्रोह चालू हो गयो। भारतीय दृष्टि में देख रहे हैं एक बार कदे 10 मई 1857 में क्या हो गया है? क्रांति की शुरुआत होगी है, क्रांति शुरू होगी है हुई कि हुआ मेरठ उत्तर प्रदेश हुई है होगी। अब थाने ठा है कि भारत है जो हम लोग राजस्थान में भारत में आए तो मेरठ में सब पहला क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 में हुई है और आपने राजस्थान में कद हुई 28 मई 1857 में हुई। तो ई टाइम में जो अंग्रेजा की जिकी प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी। अब देखो मई को महीनो है गर्मी बहुत है तो ई जगह किस हुआ है? ई जगह जिलो है सिरोही, राजस्थान में सिरोही जिलो है और सिरोही में भी टाइम कौन है? एजीजी है, मतलब सिरोही में कौन है? एजीजी। एजीजी कौन हो? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय आपके सिरोही का क्या था मतलब एजीजी था राजस्थान का और सिरोही में क्यों गया था आपको पता है भाई? गर्मी के अंदर, गर्मी का मायने चौकी भली गर्मी पड़े राजस्थान में पूरा में तो सिरोही थोड़ी सी ठंडी जगह है फिर वास्ते बी टाइम अंग्रेज हुआ करता बे अपनी प्रशासनिक राजधानी सिरोही में रखता। ठीक है, 8
सिरो मिठा पड़ो जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस ने कद 19 तारीख ने कद पड़ो 19 मई 1857 में ठा पड़ गयो किने जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस ने कि 10 मई 1857 में मेरठ में क्रांति की शुरुआत होगी है। इन कितना दिन ठा पड़ो वो देख लो 10 मई 19 मई यानी 9-10 दिन बाद में ठा पड़ो है जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस ने पड़ गयो। अब जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस के दिमाग में हलचले होने लगी किया हुई देखो देखो दोस्तों ये जिया किसो जिलो है राजस्थान के अंदर ये जिया जो जिलो है वो है अजमेर ठीक है। और अजमेर में एक दुर्ग है भाई थाने ठा है तो भी दुर्ग रो नाम है मेघजीन दुर्ग के नाम है मेघजीन दुर्ग भी दुर्ग रो नाम है एक दुर्ग है किलो है ठीक है। ये मेघजीन दुर्ग ने के क्या वे अंग्रेजों को शस्त्रागार के अंग्रेजों को शस्त्रागार अंग्रेज अपना जगह शस्त्रा भी अंग्रेज अपने मेघजीन दुर्ग रे माइन मेलता या फिर अटे रखता ठीक है। और अजमेर का माइन है और अजमेर में एक छावनी है बा छावनी किसी अब्बा है नसीराबाद छावनी देखो थोड़ा बहुत समझ में थाने लेट आसी लेकिन अगर आप बात समझ में आ जैसी नहीं तो थाने 1857 की क्रांति रटनी कौन पड़े थारे उंगलियां पर जैसी थारे दिमाग में सेट हो जैसी ठीक है। अभी मेरे सागे साग डाला पत्तो चालू है 19 मई 1857 में अब पानी 1857 को पता लग गया है किसको लगा है ये लगा है जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस को। तो इन्होंने ऐसा सोचा देखो ये जो मेघजीन दुर्ग है ना इस मेघजीन दुर्ग की जो रखवाली कर रही थी वो कर रही थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री मतलब ये एक सैनिक टुकड़ी है जो मेघजीन दुर्ग की जो शस्त्रागार था भाई शस्त्रागार था जहाँ शस्त्र होगी वहाँ पर निगरानी तो आवश्यक होगी तो शस्त्रों की निगरानी कर रही थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। तो जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री है ना राजस्थान में वहाँ पर कौन से लोग हैं ज़्यादा हिंदू लोग हैं ठीक है ना हिंदू है या फिर भारतीय लोग है ठीक है ना तो हो सकता है भाई यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो गई है तो हमारे भी हो सकता है वो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री सब शस्त्रागार उनके पास है तो भारतीय पर विश्वास नहीं था कि ये तो भारतीय है वो शस्त्र वगैरह लेकर यहाँ से दौड़ जाएंगे भाग जाएंगे और हम हार जाएंगे। तब दिमाग लगाया जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस ने और इस जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस ने क्या किया इस मेघजीन दुर्ग दुर्ग में जो सेना थी ने क्या इस मेघजीन दुर्ग में जो सेना थी कौन सी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री अब थोड़ा वो दिमाग में डाउट मत करना आराम समझने ला 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस ने कहां पर शिफ्ट कर दिया नसीराबाद सैनिक छावनी में शिफ्ट कर दिया कहां पर नसीराबाद सैनिक छावनी में आ गई विश्वास नहीं था तभी तो यहां से हटा दी किसको भारतीय सैनिक को और कहां भेज दिया नसीराबाद सैनिक छावनी में भेज दिया और नसीराबाद में पहले से मौजूद थी कौन सी 30वीं बंगाल इन्फेंट्री कौन सी 30वीं बंगाल इन्फेंट्री एक मौजूद थी और इसी के साथ अब कौन मिल चुकी है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री मिल चुकी है कौन सी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री मिल चुकी है। तो देखिए आप 30वीं बंगाल और 15वीं बंगाल इन्फेंट्री जुड़ चुकी है। अब देखिए क्या हुआ इस 15वीं बंगाल इन्फेंट्री का एक सेनापति था क्या 15वीं बंगाल इन्फेंट्री का एक सेनापति था उस सेनापति का नाम था बख्तावर सिंह क्या नाम था बख्तावर सिंह नाम था। तो क्या होता है एक बार जल ग्रहण कर लेते हैं आप भी कर लीजिए बख्तावर सिंह किसका 15वीं बंगाल इन्फेंट्री का देखिए बख्तावर सिंह ठीक है इस बख्तावर सिंह ने पूछा किसको पूछा अंग्रेज को और अंग्रेज अधिकारी कौन था वो भी आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था उस समय पिचार्ड क्या पिचार्ड और पिचार्ड को बख्तावर सिंह ने पूछ लिया कि भाई आप क्या कर रहे हो हमें मेघजीन दुर्ग से नसीराबाद क्यों शिफ्ट किया कभी आप अवध से हमें बंगाल भेज रहे हो कहीं बंगाल से अवध भेज रहे हो क्या कर रहे हो मतलब कर क्या रहे हो भाई आप तो मतलब हर जगह चेंज करो माने कड़ाई खेत बेच दो कड़े घरे बेच दो कड़े कट्ठीर कड़े नांदेरा कड़े नन्याल कड़े भुआ घर मामा के करो क्या होते। तो पिचार्ड ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है पिचार्ड ने ऐसा नहीं कहा कि हम क्या कर रहे हैं आपके साथ। तो बख्तावर सिंह को क्या आ गई तकड़ी सी रीस आ गई क्रोधित हो गया बख्तावर सिंह और बख्तावर सिंह ने संतोषजनक उत्तर न मिलने पर इस बख्तावर सिंह ने यहाँ पर दोस्त अंग्रेजों को मार गिराया कौन कौन एक का नाम मिलता है स्पॉटिश वुड देखो स्पॉटिश
हुड और एक का नाम मिलता है न्यूनबर्ग, न्यूनबर्ग। ये दो व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी जिसको बख्तावर सिंह ने सल्टा दिया, कौन कौन है? स्पॉटिस हुड और न्यूनबर्ग। ये दो अंग्रेज यहाँ से खत्म हो गए। और यहाँ से जो नसीराबाद की जो 15 बंगाल कॉन्फेडरेसी वो कहाँ दौड़ गई? वो सीधे दौड़ गई कहाँ पर, याद है क्या? दिल्ली, दिल्ली दौड़ गई। अब भारतीय सैनिकों का इतना दिमाग नहीं लगा भाई अंग्रेज यहाँ पर हार चुके हैं, अंग्रेज भाग रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं, जोर जोर भाग रहे हैं, तो हम जल्दी से मेघदिन दुर्ग पर अधिकार कर ले, क्योंकि मेन चीज़ यही है मेघदिन दुर्ग, शस्त्र अस्त्र बंदूक का घोड़ा सब कुछ यहाँ पर है। तो इन्होंने ऐसा तो किया नहीं और दिल्ली भाग गए। इस कारण पिचार्ड ने कहा, ये जो पिचार्ड है इन्होंने कहा कि अगर भारतीय सैनिक दिल्ली नहीं जाते तो 1857 की क्रांति का मुख एक अलग दिशा में मुड़ जाता, ठीक है। और 2 बजे के आसपास माना जाता है कि यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, 2 बजे, 2 बजे और 50 मिनट के आसपास यहाँ पर क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। तो यह है नसीराबाद में विद्रोह किस प्रकार होता है। मेन चीज़ आपने देखी होगी किस प्रकार मैंने समझाया है, एकदम पूरे बारीकी से मैंने समझाया, कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपका छूटेगा नहीं। मैं मानता हूँ कि हमारे पास बोर्ड नहीं है अच्छा, लेकिन जो मैटर आ रहा है वो आपके दिमाग में इस तरह घुसेगा जैसे बाजरे के खेत में कोई झोटा घुस गया है। देखो 2 नंबर की बात करते हैं, निमच में विद्रोह, इसको मैं रब कर देता हूँ, डो देता हूँ मारवाड़ी बोले तो, निमच में विद्रोह। देखो हर अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, आपके सहयोग की वजह से, आपके इतना संतोषजनक हमें आप हमें देख रहे हैं नवजून क्लासेज पर प्यार बना रहे हैं, इसी कारण हमारा चैनल भी नवजून क्लासेज मोनोटाइज हो चुका है और एड्स वगैरह भी आ रहे हैं, अर्निंग भी धीरे धीरे हो रही है। 2 नंबर विद्रोह की भावना देखेंगे, वो है निमच, निमच। और निमच में यह क्रांति होती है 3 जून 1857 को, यह निमच में क्रांति हुई, ठीक है। देखो दोस्तों जो निमच है ना वो आज वर्तमान में आता है मध्य प्रदेश में या फिर बोल सकते हैं एमपी में, ठीक है। लेकिन निमच उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय यह आता था मेवाड़ रियासत में, कौन सी? मेवाड़ रियासत के अंदर आता था, ठीक है। देखो निमच, निमच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय कहाँ आता था? उस समय आता था मेवाड़ रियासत के अंदर यह निमच आता था। यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है रात्रि 11 बजे, क्या? रात्रि 11 बजे, यानी सभी उस समय भोजन पानी खाकर सो चुके थे। उस समय निमच में 1857 की क्रांति है वो छिड़ गई, एक बड़ा रूप धारण कर लिया। और यहाँ पर किसने क्रांति की 2 व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, एक का नाम मिलता है मोहम्मद अली बेग, क्या? मोहम्मद अली बेग। और एक का नाम मिलता है हीरालाल, हीरालाल, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य अंग्रेज था, क्या? जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था इस निमच सैनिक छावनी में वो कौन सा था? वो था मेजर सावर्स के अंडर में थी ये जो सैनिक छावनी थी, किसके अंडर में थी? मेजर सावर्स। कौन है ये? बोले तो मेवाड़ का क्या है, समझ चुके हो क्या है? मेजर सावर्स पॉलिटिकल एजेंट है, मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी, सावर्स के नियंत्रण में थी, नियंत्रण में, ओके। ये जो सैनिक छावनी थी वो मेजर सावर्स के क्या थी? नियंत्रण में थी, ठीक है। और यहाँ पर एक मुख्य अंग्रेज अधिकारी भी था जिसका नाम था एबोट, एबोट। देखो हुआ क्या था, इसे एबोट ने मोहम्मद अली बेग से, हीरालाल से बातें भी की और कहा, और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी उससे कहा कि आप हमारी क्या करो, वफादारी करो, वफादारी बोले तो सेवा चाकरी करो, आप हमारी अच्छी से सहायता करो, वफादारी। एबोट ने कहा किससे? सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को। तब मोहम्मद अली बेग हीरालाल ने कहा कि आप वफादारी की बात कर रहे हो, क्या? कि आप तो वफादारी की बात कर रहे हो, आपने वफादारी क्या कम की है? आपने वफादारी की है, अवध को आपने मिला लिया, हमारे को इतना मतलब परेशान कर रहे हो, आप वफादारी कब कर रहे हो? तब क्या हुआ था, इस मोहम्मद अली बेग ने, हीरालाल ने इस एबोट की क्या कर दी? हत्या कर दी, यानी इस एबोट को क्या किया? मार दिया या फिर हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। अब हुआ क्या था, यहीं से इस हत्या का बदला या फिर हत्या हो गई और यहाँ पर क्या मच गया? जोरदार हड़कंप खड़कंप जो भी बोलते हैं मच गया। अब देखो यहाँ से बोलते हैं कि 40 अंग्रेज, क्या?
40 अंग्रेज यहां से भाग गए और कहां आ गए, चित्तौड़ के डुंगला गांव में आ गए। क्या, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, कहां आ गए, चित्तौड़ के डुंगला गांव में, चित्तौड़ में आ गए। और चित्तौड़ में गांव कौन सा है, डुंगला, डुंगला गांव में आ गए और वहां शरण ले ली। ठीक है, अब देखो आ गए और इनको लाया गया बाद में कहां पर, इनको मेवाड़ लाया गया। इससे जितने भी यहां पर जो भी सैनिक थे, कौन से, समझ चुके अंग्रेज अधिकारी, इनको कहां लाया गया, इनको लाया गया आपके मेवाड़, मेवाड़। और मेवाड़ में आपको पता है एक जग मंदिर, पिछोला झील, उदयपुर लाया गया। क्या, उदयपुर बोलते हैं यहाँ पर, उदयपुर। और उदयपुर में क्या बनी हुई है, एक पिछोला झील बनी हुई है। क्या, पिछोला झील बनी हुई है। और पिछोला झील में कौन सा, जग मंदिर, जग मंदिर में इनको शरण दी। किसको, अंग्रेजों को बिठाया गया, जो 40 अंग्रेज थे। किसने बिठाया, स्वरूप सिंह ने बिठाया। कौन था उस समय उदयपुर का शासक, या मेवाड़ का शासक, कौन था, स्वरूप सिंह था। किसके कहने पर, मेजर साउर्स के कहने पर। क्यों भाई, मेजर साउर्स मेवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। ठीक है भाई, ये बात हो गई। तो ये है निमच में विद्रोह किस प्रकार हुआ और सेना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, विद्रोह का दमन किसने किया, विद्रोह शुरू किसने किया। ये बात हमें अति महत्वपूर्ण है, लगती है और देखा भी जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, निमच में विद्रोह हो गया, अब देखेंगे अगले जो भी देवली वाला विद्रोह है वो देखेंगे आप। देखो देवली में जो विद्रोह होता है वो होता है 4-5 जून को, 4 भी मिलती है 5 भी मिलती है, दोनों डेट मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही है। क्या, देवली में विद्रोह कब हुआ, 4-5 जून 1857। और यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी देवली विद्रोह में, वो थी कोटा लीजियन। कौन सी, कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। ठीक है, और यहाँ का शासक कौन था देवली का उस समय, वो था नवाब वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला। ये छोटी सी है कोई, आप बस नाम याद रखना, नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है, यहाँ पर नेतृत्व किसने किया, ये अच्छी बात है। क्या, नेतृत्व करता है कौन और किसने किया, तो यह है नीर आलम खां। नीर आलम खां देवली में विद्रोह का दमन किया था, या फिर विद्रोह की भावना को ललकारा था, या फिर नेतृत्व नीर आलम खान। यह है कौन, नीर आलम खान नवाब वजीरुद्दौला का क्या है, मामा लगता है भाई। क्या, मामा लगता है, किसका, नवाब वजीरुद्दौला का क्या लगता है, मामा लगता है। इतनी बात हो चुकी है, ये कोई ज़्यादा है नहीं, देख लो लंबा चौड़ा नहीं है। कोटा लीजन सैनिक टुकड़ी थी, शासक था नवाब वजीरुद्दौला, मामा था कौन, मामा था नीर आलम का, मामा था नीर आलम ने क्या किया, यहाँ पर नेतृत्व किया। अब बात करेंगे एरिनपुरा में विद्रोह, विद्रोह कहाँ की बात करेंगे, एरिनपुरा में विद्रोह की बात हम करने वाले हैं या फिर करेंगे। देखो चौथा है एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्या हुआ, विद्रोह हुआ था 1857 में। देखो दोस्तों एरिनपुरा कहाँ पर आता है, एरिनपुरा आता है मारवाड़ में। ठीक है, बोले तो मारवाड़ या फिर जोधपुर बोल सकते हैं। उस समय एरिनपुरा का शासक, या फिर बोल सकते हैं मारवाड़ का शासक कौन था, मारवाड़ का शासक बोलते हैं, मारवाड़ का शासक, ठीक है, वो था तख्त सिंह। कौन था, तख्त सिंह था। और इस तख्त सिंह का एक सेनापति, सेनापति था किसका, तख्त सिंह का, वो था ओनार सिंह, ओनार सिंह। और उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, क्या, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वो भी जरूर से जरूर बताइएगा, जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। है कहां पर एरिनपुरा, पाली मारवाड़ में, पाली मारवाड़। देखो ओनार सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेक मोशन, मेक मोशन क्या है, पॉलिटिकल एजेंट है। देखो किस प्रकार, देखो ये राजस्थान है, राजस्थान में ये जोधपुर मान सकते हैं या फिर मारवाड़ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पाली है, और पाली में कौन सी जगह, एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा में क्या हुआ, विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को, हो गया। और ये जो एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था, ये जो कोटा लीजन सैनिक थे वो कहाँ चले आए, यहाँ चले आए, कहाँ पर, आवा, आवा एक स्थान है, यहाँ चले आए सैनिक, ठीक है, विद्रोह करने के पश्चात। और आवा का उस समय जो ठाकुर था,
क्या आवा का जो ठाकुर था उस समय वो था ठाकुर कुशाल सिंह। कौन था? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह उस समय आवा का शासक था। कुशाल सिंह ने सेना को क्या दिया? आश्रय प्रदान किया। सेना को क्या किया? आश्रय दिया। भाई क्या जो हमारे घर थे रे जो आश्रय दिया, ठीक है दे दियो आश्रय। आगे देखो क्या कुछ हुआ। फोन करो तख्त सिंह, किन करो? कुशाल सिंह ने कह कि मारे अठ विद्रोह कर की जी सेना है नहीं बिनते छोड़ दियो, नहीं मैं लड़का वाला लठ मारा ला। कह कोनी कौन छोड़ा तू जो कर ले। जद युद्ध हुआ, किता दो युद्ध हुआ। एक युद्ध को नाम है बिठोड़ा का युद्ध। किसो? एक युद्ध को नाम है बिठोड़ा का युद्ध। और बिठोड़ा का जो युद्ध है वो हो 8 सितंबर 1857 में। किरकिर बीच में हो वो हो ठाकुर कुशाल सिंह। एक पास कौन है? कुशाल सिंह। किरकिर बीच हो और ओनाड सिंह। कुशाल सिंह ओनाड सिंह कौन है? ओनाड सिंह है तख्त सिंह और सेनापति ओनाड सिंह। और सागे कौन हो? एक व्यक्ति और हो ओनाड सिंह, वो हो हितकोट। अभी हितकोट कौन है? जो मेकमोशन है नहीं पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ को बीरो सेनापति है। कौन है? हितकोट। हो गया पहलो इर माइंड। कुशाल सिंह जीत गयो, कुशाल सिंह जीत गयो। अब दूसरे युद्ध की बात करा, इज क्या कर लिया दूसरे युद्ध की बात आप अट देखो। दूसरा युद्ध पहलो है बिठोड़ा का युद्ध और दूसरा युद्ध है चेलावास का युद्ध। किसो युद्ध? चेलावास का युद्ध। ये देखो चेलावास का युद्ध बहुत शानदार है। देखो ये जो चेलावास का युद्ध है वो होता है 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर 1857 को चेलावास का क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। किस किस के मध्य? एक तो है कुशाल सिंह जी भाई, कुशाल सिंह, ठीक है। विशेष कौन आएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी आ गया भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आ गया। देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आ गया। अब भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आ गया तो इसका जो सेनापति है कौन? मेकमोशन भी आएगा, ठीक है। लो भी मेकमोशन जी भी आ गए। इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? कुशाल सिंह की सेना ने इस मेकमोशन की नस काट दी और आवा के किले पर टांग दिया। फिर आवा के किले में घुमाया गया, काटा गया, उसको काट कर आवा के किले पर लटका दी। मेकमोशन की गर्दन काट दी भाई, इसमें गर्दन काट दी, ठीक है। ये बात कर ली। अब थोड़ी बहुत आगे और चर्चा करते हैं। याद रखना कहाँ तक पहुँच गए हैं? चेलावास के युद्ध तक पहुँच गए कुशाल सिंह, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेकमोशन इसमें गर्दन काट दी है, नस काट दी है और आवा के किले पर भी टांग दी गई है। अब होता क्या है? ए जीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय जीजी कौन था वो भी जरूर बताए। जनरल गवर्नर कौन था वो भी आप कमेंट से। लॉर्ड कैनिंग था उस समय, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग क्या करता है? ये अभी काम सलटा नहीं है भाई वैसे बोले तो। अब देखो क्या हुआ है, ऐसा दो युद्ध हो गए, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। और उस समय गवर्नर जन कौन था? गवर्नर जन था लॉर्ड कैनिंग। कौन? जीजी बोल सकते हैं ना, लॉर्ड कैनिंग। तो इस लॉर्ड कैनिंग ने एक सेना भेजी कहाँ पर? आवा पर। किसके नेतृत्व में सेना भेजी? एक सेना भेजी जिस नेतृत्व किसने किया? कर्नल जेम्स से। कर्नल जेम्स टोड नहीं है, याद रखना, कर्नल जेम्स होम्स है। क्या है? कर्नल जेम्स होम्स बोलते हैं, होम्स बोल। इनके नेतृत्व में सेना भेजी, ठीक है। सेना भेजी क्या हुआ तो आवा पर सेना पहुंचने से पहले ठाकुर कुशाल सिंह को क्या पता लग गया कि भाई सेना तो आ रही है। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने आवा का जो किला था वो अपने छोटे भाई, छोटे भाई का क्या नाम मिलता है? छोटे भाई का नाम है पृथ्वी सिंह को सौंप दिया भाई। पृथ्वी सिंह को सौंप दिया। क्या सौंप दियो? आवा को किलो। और आप कट उड़ गयो, आप उड़ गयो 12 की जिया वो हो गयो। आवार कने एक गांव है भी, गांव को नाम है कोठारिया। और कोठारिया को जो शासक कोठारिया को जो सरदार हो भी इन शरण विधि भी नाम है कोठारिया के सरदार जोध सिंह ने इसको क्या दी? शरण दी भाई। क्या दी? शरण दी, ठीक है। और 1860 में कब? और 1800 डेट मिलती 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया नीमच में। किसने किया? कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण किया, समर्पण किया, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो ये जो कर्नल जेम्स वाली सेना आ रही है वो जब आवा पहुंचती है तो आवा में ठाकुर कुशाल सिंह नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? थोड़ा बहुत उजाड़ वगैरह कर देता है और वहां पर एक माता की मूर्ति मिलती है। क्या? 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर 54 हाथ, हाथ वाली देवी, हाथ वाली देवी।
10 सिर और 54 हाथ वाली जो देवी था, नाम क्या है? सुगाली माता। इसका नाम है सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले आता है। सुगाली माता की जो मूर्ति थी वो कर्नल जेम्स होम्स कहाँ ले आता है? अजमेर ले आता भाई, ठीक है ना, अजमेर ले आ जाता है। किसकी? सुगाली माता की मूर्ति, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी बताया गया है इसको। आज वर्तमान में ये सुगाली माता की जो मूर्ति है ना वो कहाँ पर है? पाली में। और पाली में कहाँ पर? बांगड़ म्यूजियम में पड़ी हुई है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, एक 1865 में बताया जाता है, 1865 में मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? इस पृथ्वी से, क्या नाम है आपके, ठाकुर कुशाल से। 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण भी किया और 1865 में इसकी कहते हैं मृत्यु हुई। और इसकी पहले मृत्यु होने से पहले देखो, एक इनकी कहते हैं ना भाई, इन्होंने ये कांड किया या फिर ना किया ये भी देखो। तो निर्दोष साबित करने के लिए मेजर टेलर आयोग गठन किया गया। मेजर टेलर आयोग गठन किया गया, आयोग गठन किया गया ठाकुर कुशाल सिंह को भाई निर्दोष है कि इसको गलती को नहीं साबित करने के लिए मेजर टेलर आयोग गठन किया गया और इसमें निर्दोष साबित हो गया। लेकिन 1865 में इनकी क्या हो जाती है? एरिनपुरा में इनकी ठाकुर कुशाल सिंह क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बात है। मृत्यु कहाँ पर भी मृत्यु हुई थी? उदयपुर में। ठीक है, तो दोस्तों ये चार बोलते हैं सैनिक सामनिया थी जहाँ पर विद्रोह हुआ, इनकी हमने देख लिया था। अगला एक वीडियो और इसमें कोटा में विद्रोह, धौलपुर में विद्रोह और कुछ असफलता के कारण हैं, परिणाम हैं, असफलता कारण हैं, परिणाम क्या हुए थे 1857 क्रांति के, वो भी जरूर देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा जरूर से ज़रूर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।